हाय गाइस, क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप हमेशा सही हो सकते हैं और कभी गलत कुछ भी डिसाइड ना करें, कभी कोई गलत मार्ग ना ले, कभी किसी गलत डायरेक्शन में ना जाए। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज इस वीडियो के द्वारा हम जानने वाले हैं, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तीन ऐसे पॉइंट्स कि जो आपको ध्यान में रखने जरूरी है अगर आप हमेशा सही होना चाहते हैं। ओके, दिस इज नॉट ईगो वाइज कि हाँ, मुझे तो सही होना है, मैं सबको गलत साबित कर दूं, ऐसे नहीं। आपको सही इसलिए होना है ताकि आप फ्यूचर में कभी भी रिग्रेट ना करें, कभी भी पछतावा ना करें कि यार ऐसा क्यों मुझसे हो गया। तो इस वजह से हम ये वीडियो देखने वाले हैं, इस वजह से आप ये सारे पॉइंट्स सीखने वाले हैं। ओके, तो कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस पूरे वीडियो के सार को समझ पाए। ओके, स्टे ट्यून। जैसे मैंने आपसे कहा, आपका इंटेंशन ये रहना चाहिए कि आपको कभी फ्यूचर में रिग्रेट पछतावा नहीं करना है, इसीलिए आप जानना चाहते हैं कि कैसे हमेशा आप सही चीज चुने, कैसे आप हमेशा सही बने, ताकि आप गलत रास्ते पर ना जाए, गलत मार्ग ना अपना ले। सबसे पहले आपको, या मैंने जैसे कहा तीन अलग अलग बातें हम बांटने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं हर एक परिस्थिति जो आपके, या अब यू नो यस किसी भी चीज में सही और गलत होने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको आपको पता होना चाहिए, राइट? कि कोई परिस्थिति आपके साथ हो सकती है और कोई परिस्थिति आपके सामने हो सकती है कि जिसमें आप एक भाग नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति में यस कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि हाँ भाई, हम एक भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि ये आपके सामने हो रही है। तो दो परिस्थिति हो गई कि जिसमें आप उपस्थित हैं और दूसरी परिस्थिति कि जिसमें आप उपस्थित नहीं हैं, आप बस एक प्रेक्षक हैं, आप वहीं पर मौजूद हैं। अब अगर आप वहां पर सिर्फ मौजूद हैं, आपके सामने कुछ हो रहा है, तो ये परिस्थिति दो तरह की हो सकती है। एक कि आपके अंदर कुछ ऐसा विवेक है, आपके अंदर कुछ ऐसा विजडम है, कुछ ऐसा नॉलेज है जिसकी जरूरत है उस परिस्थिति में, उस परिस्थिति को संवारने के लिए उस विजडम की जरूरत है, इसीलिए वो आपके सामने हो रहा है। डन। दूसरी बात, वो परिस्थिति आपके सामने हो भले रही है, लेकिन आप उसमें भूमिका नहीं निभाने वाले हैं, ऐसा तय कर लिया है यूनिवर्स ने। लेकिन ये आपको एज अ टेस्ट दिया गया है, आपकी परीक्षा के माफक है ये परिस्थिति कि आप उसमें एक भूमिका निभाते हैं या नहीं निभाते हैं। आप चुनते हैं वहां पर दखलअंदाजी करना या नहीं चुनते हैं, ये आपका टेस्ट है और ये डिसाइड करेगा कि आप, मतलब यस, आपका कितना ग्रोथ हो रहा है। ओके, और मान लो चलो कि यस, आपको उस परिस्थिति में अगर दखलअंदाजी नहीं करना है, ओके, तो क्या होगा आपके साथ? ऐसी परिस्थिति है जहां पर आपकी जरूरत नहीं है, वो एज अ टेस्ट आपका, आपकी परीक्षा के माफक वो परिस्थिति आपके सामने दी गई है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या होगा? आपको इच्छा होगी, बहुत ज्यादा खुजली होगी, अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं कुछ ऐसा बोलूं, मैं कुछ ऐसा करूं, मैं इनको कुछ इतना बेहतरीन कुछ बताऊं, कुछ इंटेलिजेंस दिखाऊं कि ये सभी लोग मुझसे इंप्रेस हो जाएं। ओके, यहां पर क्या है, देखो आपका टेस्ट है, पहले तो टेस्ट में आपको चुप रहना है, दैट इज योर टेस्ट, लेकिन आपको पता नहीं कि चुप रहना है, तो पता नहीं है फिर भी आपको कैसे थॉट्स आएंगे, कैसी इच्छाएं आएंगी, उसके आधार पर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये टेस्ट की सिचुएशन है। ओके, टेस्ट की सिचुएशन है और आपको ज्यादा लालच होता है, राइट? आपका ईगो बढ़ता है, अरे साबित करके दिखाओ, मतलब ये लोग पहले इंप्रेस नहीं थे, पता नहीं अनजाने लोग हैं, अच्छे से इंप्रेस करो, क्या बात है अगर पढ़ गए तो।
राइट, ऐसे आपके माइंड में आएगा, ईगो वाली भावना आएगी कि आप अपने आप को बड़ा ग्रेट साबित करने की कोशिश करो उनके सामने। तो देखो, ईगो जब भी आपसे कुछ भी करवाता है, ओके, ग्रेटेस्ट, कुछ बड़ा चढ़ाकर कुछ करने को बोलता है, तब हमेशा आप उस परिस्थिति को गुजर जाने के बाद पछतावा करने ही करने वाले हैं कि भाई क्या जरूरत थी बकवास करने की, चुप नहीं रह सकते थे। ओके, तो यस, आपका ईगो आपको बढ़ावा दे सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको चुप ही रहना है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि आपको आपका विजडम, आपका नॉलेज उस परिस्थिति में जरूरी हो सकता है, तो ये बिन जरूरी जो इच्छाएं हैं, चलो ग्रेट साबित करते हैं अपने आप को, चलो उनको दिखा देते हैं कि हम कौन हैं, ये सारी बातें आपके मन में नहीं आएंगी। ओके, हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसी में बिजी रहेंगे, यू आर अवेयर। ओके, आपके अंदर ये सभानता जरूर है कि भाई वहां पर कुछ हो जरूर रहा है, लेकिन जैसे ही आपके विजडम की जरूरत पड़ी तो लोग आपके पास सामने से आएंगे आपकी राय लेने। हो सकता है कि आपको ना लगे कि भाई ऐसा नॉलेज ये तो मुझे नहीं पता है, आपको ये लग सकता है, लेकिन आप अनुमान लगा कर भी अगर बताएंगे तो भी वो सल्यूशन उनके लिए सही होगा। ओके, तो दिल से आपको जो सही लगता है वो आप उनको उस परिस्थिति में बता दीजिए, तो दैट विल बी द राइट थिंग फॉर देम, और वो बाद में आपको आकर बताएंगे भी कि भाई आपने जो बताया वो सही निकला हमारे लिए। हो गया? सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ सिचुएशन कि जहां पर आप उस परिस्थिति का भाग नहीं है, ओके, यूनिवर्स ने आपको फिर भी उस परिस्थिति में रखा है, तो उसकी दो वजह मैंने आपको बता दी। दूसरा, दूसरी कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है आपके, आएगी ही आएगी, ओके, आई एम नॉट सेइंग आ सकती है, आपके जीवन में आएगी ही आएगी ऐसी परिस्थिति। व्हाट इज द सिचुएशन? सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जहां पर आपको एक चैलेंज, एक चुनौती मिलेगी, चुनौती मिलेगी। अब चुनौती मिलती है तो क्या होता है, यू नो, अब इंसान जब, यू नो, आप कोई भी व्यक्ति जब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, तब तो चुनौती आती है तो इतने ज्यादा टेंशन में नहीं आते हैं, लेकिन चुनौती कब आती है? जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज्यादा बड़ी सिचुएशन है, बहुत ज्यादा कठिन सिचुएशन है, कि जहां पर दिमाग जरा भी नहीं लग रहा है, जरा भी दिमाग में क्लैरिटी नहीं कि भाई क्या करें, और या ये कोई सिचुएशन, कोई बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है आपकी लाइफ का, जैसे कि आपका पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर, उसके लिए आपको अगले 5 मिनट में डिसाइड करना है। ओके, आपको कुछ ना कुछ बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे साइन करो, योर फाइनेंशियल फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दैट, और आपके माइंड में पता नहीं 10, 20, 40, 50, 100 इतने ज्यादा अलग अलग आइडिया, इतने ज्यादा अलग अलग सवाल, लेकिन ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा, अगर ये कर दिया तो क्या रिजल्ट आएगा, ये वाला तरीका अपनाया तो क्या रिजल्ट आएगा, इस तरह से माइंड ने 1000 बार आपको उलझा दिया अलग अलग सवालों से, और ये जो सिचुएशन है दिस इज द चैलेंजिंग सिचुएशन। ओके, बिकॉज ये जो सिचुएशन है इसके आधार पर, यहां पर अगर आप सही होते हैं तो आपका ग्रोथ होता है, आपका स्पिरिचुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पर आपका ग्रोथ होता है, और इसीलिए ये परिस्थिति बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन बनाने वाली होगी। ओके, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? देखो, कोई भी परिस्थिति जब आती है तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप, यू नो, वहां पर थोड़ा बहुत रिसर्च करें। ओके, थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। एक बार आपने सारा नॉलेज एकत्रित कर लिया, उसके बाद डिसीजन लेना है आपके इंट्यूशन के आधार पर। ओके, आप कहेंगे अरे यार ये क्या बात हो गई, मतलब नॉलेज भी लेना है फॉर इंट्यूशन के बारे में, मतलब सुनना है। सी, कई बार क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा चीज, बहुत ज्यादा अलग अलग कंफ्यूजन है आपके माइंड में, तो कुछ नॉलेज है जो अगर आप लेंगे तो आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी, और फिर इंट्यूशन आपको सही तरह से गाइड कर पाएगा।
अगर आपको लगता है कि हर सिचुएशन में अगर इंट्यूशन आपकी मदद नहीं करता है, देन दिस इज द रीजन, नॉलेज की कमी. थोड़ा बहुत नॉलेज हासिल कर लीजिए, जिसके बाद इंट्यूशन में क्लैरिटी मिलेगी. अब तीसरी तरह की परिस्थिति, यहां पर आप चाहे कुछ भी कर लो, आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना है, कितना ही नॉलेज आपके पास क्यों ना है, आप कितने ही विवेक बुद्धि वाले क्यों ना, आपका इंट्यूशन चाहे जितना पावरफुल क्यों ना है, ऐसी कुछ परिस्थिति अवश्य होगी कि जहां पर आप गलत साबित होंगे, आप मतलब आप गलत ही राह पर जाएंगे, गलत ही सिलेक्शन करेंगे. अब आप कहेंगे लेकिन मतलब ऐसा क्यों, अगर एक बार इंसान का पावर डेवलप हो गया तो गलत चीजें होनी ही नहीं चाहिए. ऐसा नहीं है. देखो, लाइफ में कभी कभी होता है कि कोई सिचुएशन आपको दी जाती है विच इज फॉर योर लर्निंग, सीखने के लिए दी जाती है. ओके, और जब आप वो चीज सीख लेते हैं तब आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप अपना ग्रोथ करें और लाइफ में आगे बढ़े. भले गलत साबित होने के बाद ही आप सीखोगे, लेकिन फिर भी आपका ग्रोथ अवश्य होगा. ये आपके नियंत्रण के बिल्कुल बाहर होगी, ये परिस्थिति में आप टोटली मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होंगे. यहाँ पर अपने आप चीजें होंगी ताकि आपका जो सोल है उसे ग्रोथ करने को मिले, का जो सोल है उसे आगे बढ़ने को मिले लाइफ में. यहाँ पर यू नो ना आपके पास कोई तरीके होंगे, ना आपको आपके पास ज्यादा कोई विजडम होगा इस परिस्थिति में. जो भी है आप यू नो यस आप बेतर्क हो जाएंगे, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आप हो जाएंगे इस सिचुएशन में. अब यू नो आप कहेंगे अरे यार लेकिन आप तो बता रहे थे कैसे हमेशा सही होना. यही तो बता रही हूं कि यू नो टू बाई वन, दो सिचुएशन में आप सही हो सकते हैं लेकिन तीसरी सिचुएशन में आप सही हो ही नहीं सकते. जानबूझकर आप गलत राह पर, यस गलत आपके साथ होगा, बिकॉज आपका ग्रोथ जरूरी है. ओके, अब ऐसा मान लो कि आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है. ओके, दिस कैन बी कि जहां पर कोई पूरी परिस्थिति हो जाती है आपके द्वारा, पता नहीं कुछ भी हो जाता है जिसके बाद आपको पता चलता है कि भाई वो जो आपने किया वो नहीं करना था. ओके, तो ये जब भी आपके साथ होता है तो ये ना ऑलरेडी जो हो गया है उसे आप बदल नहीं सकते हैं. लेकिन अगर कुछ ऐसा हो गया है तो यू नो आपका फोकस हमेशा पॉजिटिव पे होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसमें आपके लिए लर्निंग क्या है, आपको क्या सीखना है कि आपके लिए वो परिस्थिति आई है आपके सामने और वहां पर आपको गलत ही ठहराया गया है, तो ये चीज जानना अवश्य है. तो उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए, वरना गलत सिचुएशन में आप यू नो अगर अटक गए हैं और उसमें से आप सीखेंगे नहीं तो ऐसी ही गलत सिचुएशन आपके साथ बार बार होते रहेगी. तो इसीलिए ध्यान रखें. ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो. आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा. मुझे कॉमेंट्स में बताइए अगर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा पॉइंट्स इसमें होने चाहिए, जो मैंने तीन बताए उससे ज्यादा अगर कुछ और है तो मुझे अवश्य बताएं माइंड में कुछ आता है तो. और या वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन क्लिक कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से इस वीडियो को सबके साथ बांटिए. ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में वापस. तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए. उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए.